भोक्ता होगा तो एक ही इंद्रिय से भोक्ता होगा या सभी इंद्रियों से भोक्ता होगा? और अभोक्ता होगा तो सभी इंद्रियों से भोक्ता होगा। जितना जितना योगी होता जाएगा उतना उतना भोजन कम होता जाएगा। इंद्रियों में क्षीणता कम होती जाएगी। इसलिए वेदों में मुख्य वेद ऋग्वेद माना गया है। उनमें पहले पहले जो श्लोक है उसने बताया ये सृष्टि एक वृक्ष है और उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोगी और एक अभोगी। मनुष्य शक्ति के जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें मुख्य पाठधारी हीरो पाठधारी जन्म जन्मांतर का भोगी है और जो शिव है उस वृक्ष में प्रवेश करता है और उस हीरो पाठधारी में प्रवेश करता है तो आप होगी। एक ही शरीर रूपी रथ में एक आत्मा भोक्ता और दूसरी आत्मा अभोक्ता। यहाँ पे संकल्पों के भोजन खाने की बात है। देहद का बाप देहद की बातें बताते हैं। तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे जाति संकल्पों का भोजन कौन करता होगा? संकल्पों का भोजन अर्थात मनन चिंतन मंथन। सुप्रीम सोल को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। तो अमन है आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाने आए तो डायरेक्शन देते ड्रिल करो अभी अभी शाकाहारी भोक्ता अभी अभी आकारी मन चिंतन मंथन करने वाले अभी अभी निराकारी। ये प्रैक्टिस पक्की करवाते हैं। भोक्ता जब प्रैक्टिस सब पक्की करवाते हैं या अभोक्ता करवाते हैं? ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाप जो सदा से बताया जाता है। सब सही था सब सही है और सत ही रहेगा। आत्मिक स्थिति और शास्त्री का भाव एक ही है क्या? आत्मिक स्थिति और शास्त्री का भाव शास्त्री भाव साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य ऐसे कहते हैं। पुराना पुराना जो लिखा हुआ शास्त्र है
संसार में भी पहले का तो प्रधान थे, तो जो साक्षी होगा उसका किसी से लगाव नहीं होगा, बुद्धि का बैलेंस होगा, कांटा एकाग्र होगा, जो जज की कुर्सी पर बैठता है उसके लिए साक्षी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पार्टी के तरफ झुकाव हो जाए बुद्धि का तो फैसला सही नहीं होगा। इसलिए साक्षी होना मानव बुद्धि का कांटा है एकाग्र होना, और बुद्धि का कांटा है एकाग्र हो गया, कांटा होता है ना उसमें एक खास बिंदु होता है नीचे, कांटा अगर हिला तो बिंदु से हट गया, एकाग्र है तो बिंदु के ऊपर है, तो ये भी बुद्धि रूपी कांटा है बुद्धि पर लगा, बुद्ध बिंदु पर लगा हुआ है तो एकाग्र, बिंदु से तेज अर्थात साक्षी दत्ता, देहदारियों के प्रति लगाव है तो साक्षी दत्ता हो नहीं सकता, आत्म की स्थिति पक्की कहीं नहीं जा सकती। बाबा विजय माला में कौन सी पवित्रता है जो रुद्र माला में नहीं है और उनको आह्वान करना होता है? विजय माला में जो भी आत्माएं है वो आत्माएं जन्म जन्मांतर की वह पार्थधारी है जिन्होंने द्वापर युग से लेकर कलयुगांत तक शेष आत्माओं का संग किया है और अनेक जन्मों में होते हुए भी सब आत्माओं का संग किया है, अनेकों के साथ व्यभिचार ही नहीं बनी। जैसे भारत की रानी अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए जौहर के व्रत किए, देह को जला दिया, परंतु उस देह का संग विधर्मियों के साथ नहीं होने दिया। तो कहेंगे उन रानियों की जन्म जन्मांतर की पवित्रता पक्की रही और भारत के राजे उन्होंने अनेक रानियां रखी, अनेकों के संग के रंग में आए, तो बुद्धि अपवित्र बनेगी या पवित्र बनेगी? बुद्धि जन्म जन्मांतर अपवित्र होती रही, तो जिनकी बुद्धि जाती या पवित्र बन जाती है उनके जन्म जन्मांतर का टोला भी या जाती या पवित्र बन जाता है, उनको जाति ज्ञान देने के लिए परमपिता परमात्मा पहले उनको उठाता है। पहले उठा देगा तो लंबे समय के संघर्षण के पश्चात उनकी बुद्धि आखिरी पवित्र बन ही जाएगी और विजयमाला की आत्मा थोड़े समय में अंत में आती है
और थोड़े समय में ही तंक बुद्धि होने के कारण धारण कर लेती है ज्ञान को, विजय माला तैयार हो जाती है। परंतु रुद्र माला के मनकों के लिए बोला कि जब तक विकारों पर जीत ना पावे, विजय ना पावे, तब तक उनको विजय माला में ऐड नहीं किया जा सकता। पढ़ाई पहले पढ़ना शुरू करते हैं और फिर विजय माला में बाद में ऐड होते हैं। क्यों? विजय पाने के लिए, क्योंकि बुद्धि अपवित्र बन गई, अपवित्र बुद्धि में प्रैक्टिकल धारणा नहीं हो पाती। ज्ञान सुनाना अलग बात है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके पक्का ब्राह्मण बनना, तो ब्राह्मण पवित्र को कहा जाता है। ये बड़ी बात है। उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो जाते हैं, उनमें भी सूर्यवंशी मन के पहला नंबर ले जाते हैं। क्योंकि पहले पवित्र बनते जरूर उनमें जन्म निर्माण की पवित्रता कमाई नहीं होगी। शिव बाबा के लगाव के लिए कौन सी सिद्धांत करना है? जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तो तन और धन की ताकत जितने परसेंटेज में जहाँ लगावेंगे वहाँ मन जरूर जाएगा, खींच के जाएगा। फांसी की सजा दी जाती है तो वो पापात्मा है, तो शहीद हो जाते हैं, उनको भी कभी फांसी की सजा दी जाती है, तो वो कौन से काम एक ही होता है लेकिन उसका लक्ष्य देखा जाता है। जो दंडता के कारण फांसी ले खाता है उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, और जो देश की सुरक्षा के लिए फांसी पर चढ़ाया जाता है उसका लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य के आधार पर लक्षण आ जाते हैं। काम भले एक ही है लेकिन लक्ष्य देखा जाता है। लक्ष्य कहो भाव कहो, इसलिए शास्त्रों में भी लिख दिया है भाव प्रधान विश्व रचिरा था, जो जैसे करे सफल चाह था, जिस भाव से जो कर्म किया गया उसका वैसा फल मिलता है। उर्दू में जो बारह खड़ी है अक्षर है उनमें पहला अक्षर है अलग, दूसरा नंबर का अक्षर है बे, और फिर नुक्ता होता है, नुक्ता माने बिंदु, बिंदु कहीं ऊपर लगता है कहीं नीचे लगता है,
जैसे अंक होते हैं एक से नौ तक और उनके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। अगर अंक नहीं है तो बिंदु का कोई मतलब नहीं है। तो बिंदु की याद है शिव की याद, और जो याद करने वाला है वो नंबर वन भी हो सकता है, नंबर दो भी हो सकता है। नंबर दो का माल अच्छा नहीं माना जाता और नंबर एक का माल अच्छा माना जाता है। तो अलग अर्थात पहला नंबर जो भी नई शक्ति रखी जाती है उसका नई शक्ति में दो तरह के मनुष्य आत्माएं होती है, एक जन्म लेने वाली और एक जन्म देने वाली। ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ कौन करता है? जन्म देने वालों को ज्यादा ऊंचा पुरुषार्थ करना पड़ता है क्योंकि वो अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाते हैं और पांच तत्वों के शरीर को भी पवित्र बनाते हैं, सारी दुनिया के पांच तत्वों को पवित्र बनाते हैं। इसलिए जाति पुरुषार्थ होने के कारण अव्वल नंबर अलग कहे जाते हैं। और जो बना बनाया खाते वो दो नंबर की कहे जाते हैं। सत्युग में जो जन्म लेंगे वो किसकी कमाई खाएंगे? अपने माँ बाप की कमाई की हुई वो ही खाते रहेंगे। तो अलग वे और उन दोनों को बनाने वाला है उत्ता, उत्ता माने बिंदु। एक ही पढ़ाई है, वो ही मुरली है। नंबर दो में जन्म लेने वालों को भी वो ही मुरलियां मिली और नंबर एक पाने वालों को भी वही मूल्यां मिली पढ़ने के लिए, मन चिंतन मंथन करने के लिए और दूसरों को ज्ञान सुनाने के लिए। पढ़ाने वाला वही बिंदु, सुप्रीम कोर्ट जो की बिंदु, ये अंतर क्यों पड़ गया? नंबर एक का माल और नंबर दो का माल कैसे बन गया? क्या कारण हुआ? एक होते हैं रायंती में रह करके पढ़ाई पढ़ने वाले और एक होते हैं तपस्वी बन करके पढ़ाई पढ़ने वाले। अच्छी पढ़ाई कौन पढ़ेंगे? तपस्वी जीवन जी करके पढ़ाई पढ़ेंगे, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि विश्व कल्याणकारी की बात बुद्धि में रहती है। दुनिया का सारा माल खाने वाले हम अकेले नहीं है, सारा विश्व भगवान बाप का बच्चा है। इसलिए उतना ही खाना है जिससे जीवन बना रहे, पुरुषार्थ चलता रहे। ऐसे नहीं कि सारी दुनिया की मिलकियत तो कमाई हम ही खाए के बैठते हैं।
तो नंबर दो वाले उनको खाना अच्छा अच्छा चाहिए। यादगार बनी हुई है पश्चिम में, कौन सा मंदिर है आपका द्वारा। अच्छा अच्छा भोजन जरूर चाहिए, पढ़ाई में मन लगे न लगे, मन चिंतन मंथन हो न हो, भोजन में बुद्धि बढ़िया लगी रहे। पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए बढ़िया बढ़िया मकान चाहिए, और जो तपस्वी होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए जो बाप ने गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है बाप ने? गारंटी दी है मेरी सेवा में लगे रहने वाले सेवादारी बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते, भले दुनिया में कितना भी अकाल पड़ता रहे, उनको पेट भरने के लिए पाव भरा आटा जरूर मिलेगा। बड़े बड़े लखापतियों करोड़पतियों अरबपतियों को नहीं मिलेगा, मेरे बच्चों को जरूर मिलेगा। विनाश के टाइम पर भी मिलेगा, और अभी पढ़ाई के टाइम पर जब शांति का टाइम है तो भी कोई मिलेगा। तो नंबर बन गए, कोई भविष्य 21 जन्मों के लिए जीते है। भविष्य 21 जन्मों की जो ईश्वरीय प्रारब्ध है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, इस जन्म की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करते। इस जन्म के लिए तो उन्हें यही खुशी बहुत है कि हमें भगवान मिल गया, पाना था तो पा लिया, अब इच्छा मात्र मर गया। इस जन्म के लिए अभी हमें कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अगर खुदा ने खासा कुछ हमारे पास है भी, सुंदर तन है, अच्छे से अच्छा ऊंची कोटि का धन है, तो भी वो ईश्वरीय सेवा में लगाना है। अपने मान मर्तबे की प्राप्ति में नहीं लगाना है। मान मर्तबे की प्राप्ति इस जन्म के लिए होती है। भविष्य की बात मान मर्तबे की नहीं है, भविष्य में तो ये कहीं ही नहीं रहेगा। हमें आत्मा का मान मर्तबा चाहिए। आत्मा का कनेक्शन है 84 जन्मों से, और शरीर के मान मर्तबे का कनेक्शन है 1 जन्म। अभी बताया ना, भाव देखा जाता है, लक्ष्य देखा जाता है, जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण बने। इसलिए अपने देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने वाले ढेर के ढेर जवान मर जाते, क्या उनको सूक्ष्म शरीर मिलेगा? उनको पेट बनना पड़ेगा? नहीं, उनको शरीर मिल जाता है, उनको तुरंत शरीर तैयार रहता है, वो वीर गति प्राप्त करते हैं, क्षुद्र गति नहीं होती है उनकी। फिर दोबारा जन्म लेकर के लड़ाई लड़ते, फिर वीरता के काम करते। भूत प्रेत बनने वाले होते हैं, काले बहुत शरीर छोड़ते हैं,
वो अंत मते दो गते फिर दोबारा जन्म अगर लेंगे नहीं कुछ शरीर त्याग करके तो फिर पाप करने लग पड़े। ये तीन प्रकार की आत्माएं गीता में गाई हुई है। एक है भूत प्रेतों की पूजा करने वाले, भूत प्रेतियों को प्राप्त होते हैं। दूसरे हैं देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं को श्रेष्ठ मानने वाले, वे देवियों को प्राप्त होते हैं। और तीसरे हैं मेरी उपासना करने वाले, ओ मेरे को प्राप्त होते। पुलिस होता है, पुलिस को क्या होता है? वो जो पॉकिट होता है वो जितने जाता है इसलिए वो मर जाता है तो थोड़ी मिल जाता है। पुलिस अलग होती है और मिलिट्री का योद्धा अलग होता है। वो भी रक्षा करते हैं आज की पुलिस, उसका जैसा नाम है पोलिस, इसमें कोलम कोल भरी हुई है। वो वाइब्रेशन आज की दुनिया का ऐसा बन गया है। तो पुलिस की बात और जो सच्चाई के आधार पर चलने वाला पुलिस का नौजवान है उसकी बात कर रहे, उसकी बात कर रहे। तो वो तो देशवासियों की रक्षा के लिए अपना प्राण दे देगा। इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन जो आज के पुरुष के नौजवान हैं 99% वो उसकी दुर्गति कर देते हैं, उसको नौकरी करने नहीं देंगे सच्चाई पूर्वक। जो कंप्यूटर है वो भी एक तो आपका जो ठीक किया उसके लिए कोई एक्सीडेंट होगा जो भी होता है वो फोन करने से फोन आ जाता है। वो 108 डालो जिसमें एक तो 108 की कोई भी कनेक्शन है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए नंबर रखा है 108। हाँ ये सैल्वेशन आर्मी है, दूसरों को जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए एम्बुलेंस होती है। जो जख्मी हो जाते गिर जाते हैं उनकी स्थूल बात है और हमारी हमारी सूक्ष्म देह की बात है। हमारी जो सैल्वेशन आर्मी है उसमें भी 108 विशेष जवान है। 108 है नंबर आर पुरस्कार संसार जो गिरे हुओं को उठाने वाले है। इतना ही कनेक्शन वो हद की और ये यहाँ भी तो हॉस्पिटल बना हुआ है। यहाँ रूहानी हॉस्पिटल है, वो जिस्मानी हॉस्पिटल है। बाबा भी कहते हैं बोर्ड पर लिख दो रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। और बाबा रुद्रमाला आत्माओं में कौन सी विशेषता है जो बाप को पहचान लेते हैं तो जो विजयमाला आत्माएं पहचान नहीं पाते? विजयमाला की आत्माएं पवित्र तो है लेकिन जन्म जन्मांतर की आधीनता वाली आत्माएं। रानियों को किसके अधीन रहना पड़ता है? राजाओं के अधीन रहना पड़ता है। और बाप के माला के जो बच्चे हैं वो जन्म जन्मांतर के अधिकारी बच्चे। भले पवित्रता की पावर नहीं है, अपवित्र है तो भी बाप को प्रिय है। क्यों? क्योंकि और कोई उनके अंदर गुण है या नहीं है लेकिन एक गुण जरूर है। क्या? सत्य को पहचानने का।
God is one, God is truth. सबसे बाप को पहचान लेते इसलिए बाप को प्रिय पावर है वो बौद्धिक पावर भी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हो। ऐसे तो बौद्धिक पावर आज के वैज्ञानिकों में बहुत है, एटम बम बनाए हुए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे यान बनाते हैं, जो मंगल है, चंद्रमा आज कंट्रोल होकर चक्कर लगाते हैं, उनमें बौद्धिक पावर नहीं है क्या? बौद्धिक पावर तो है, लेकिन वो बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार यूज नहीं कर रहे, इसलिए बुद्धि को काम की कहेंगे। क्योंकि आखिरी ज्ञान के आधार पर बुद्धि को यूज कर रहे, आखिरी ज्ञान क्या है? अनेकों की मत मिक्स की हुई है, किसी ने एक थ्योरी निकाली, किसी ने दूसरी थ्योरी निकाली, किसी ने एक प्रकार की आविष्कार किया, किसी ने दूसरे प्रकार का आविष्कार किया, अनेकों की बुद्धि का मिश्रण करके उन्होंने एक नई बात और निकाली। जो कुछ भी करते हैं उसके रिजल्ट में विश्व का अकल्याण ही ज्यादा करते हैं और कल्याण नाम मात्र दिखा देगी। के मुकाबले जो ईश्वरीय बुद्धि है वो एक बाप की मत है, मत माने बुद्धि। तो मत के अनुसार जो एकाग्र बुद्धि बनती है वो असली बुद्धिमान, और बुद्धिमानों की बुद्धि है ही भगवान। एक बुद्धि चलाते हैं संसार का संहार करने के लिए, एटम बम बनाए रखे हैं, बड़ी तीव्र गति से उड़ने वाले मिसाइल्स बना रखे हैं, दुनिया की कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उन विनाशी शस्त्रों में खर्च हो रहा है। और गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कम खर्चा हो रहा है। कैसी बुद्धि बन गई? बिना पिताले विपरीत बुद्धि बन गई। प्रीति बुद्धि विजय के किसके साथ? प्रीति बुद्धि अनेकानेक जो साइंटिस्ट हुए हैं उनके साथ प्रीति बुद्धि, वो एटम बम आदि जो बनाते हैं उनकी अनेकों साइंटिस्ट के साथ प्रीति बुद्धि होती है या एक परमात्मा के साथ प्रीति बुद्धि होती है? ये फर्क पड़ जाता है। एक है ऊंची से ऊंची और दूसरे है भ्रष्ट से भ्रष्ट।
लोगों की किलोमीटर कितने साइकिल है? शास्त्रों में लिखा हुआ है 18 अक्षौणी सेना थी। कौरवों की और पांडव कितने थे? पांच पांडव थे। शुरुआत में पांच ही थे और आज दुनिया की आबादी 18 अक्षौणी है। जब पांडव अपनी एवरलास्टिंग स्टेज पर पहुंचेंगे तो उनकी तादाद बढ़ जाएगी। जो भारत के स्वदेशी धर्म वाले हैं वो पांडवों को फॉलो करेंगे या कौरवों को फॉलो करेंगे? स्वदेशी है तो जरूर पांडवों को फॉलो करेंगे, पांडव ही बन जाएंगे। फिर भी दुनिया में जो स्वदेशी धर्म है उनकी संख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, या जो विदेशी धर्म फैले हुए उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उस हिसाब से राष्ट्रों में भी लिखा हुआ है कि पांडव पांच से बढ़कर के सात अक्षौणी हो गए और कौरवों की जनसंख्या 11 अक्षौणी रह गई। कहां 11 अक्षौणी और कहां 7 अक्षौणी? उन 7 अक्षौणी में भी नंबरवार पुरुषार्थ संसार सब एक जैसे पुरुषार्थी पांडव नहीं थे, उनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, बौद्धी, कन्यासी और सिख। उनके नाम दिए कैटेगरीज के नाम है। युधिष्ठिर जैसी आत्मा है, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो शिव बाबा का काम करना है या तो भले के करीब छूट जाए परवाह नहीं। ऐसे युद्ध में स्थिर रहने वाले उससे छोटा कौन था? देव। देव माना भयंकर, भयंकर काम करने वाला, बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया, 100 कीचकों को अकेले मार दिया, 100 कौरवों को भी मौत के घाट उतार दिया। बहुत भोजन करता था, याद भी ज्यादा किसको करनी पड़ती है? जो याद की पकेट बनता है उसको याद की याद करनी पड़ती है। और पकेट कौन से विकार से बनता है? काम विकार से या क्रोध विकार से? काम ही को पकेट कहा जाता है। तो कौन सा भोजन सबसे जास्ती करता होगा? हद का भोजन या बेहद का भोजन? वो भी बेहद के भोजन की बात है। तीसरा पांडव अर्जुन,
पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, ज्ञान के तीखे तीखे बाण मारने वाला, उन बाणों की कोई तान ही नहीं हो सकती।
दुनिया के कौन से हिस्से में ये धर्म फैला? जाति पंजाब में। आज से लेकर के अंत तक देव आत्माओं के सहयोगी बनते सहयोग देने में इतने आगे जाते हैं कि हिंदुओं को भी पीछे छोड़ देते। हिंदुओं ने इतने बलिदान नहीं किए होंगे इतने पंजाबी खून ने बलिदान दिए। पवित्रता में भी मतलब देव आत्माओं की पवित्रता उनमें नहीं होती है लेकिन मुख्य पवित्रता का जो मुख्य है दुर्लोगन है जो आज की दुनिया के लिए तो बाबा ने भी बोला है आज की दुनिया के लिए खास बल पतित बनना है परंतु एक के साथ पतित बनना है। ये देश व्यक्ति और किसी धर्म में नहीं है इसलिए भारत का विशेष सहयोगी धर्म पांडव मिल करके जब संगठित तो हो जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान सूत्र के आधार पर माला में प्रवेश लिए जाते हैं तो विदेशियों का डट के मुकाबला करते हैं। और जो भारत में कौरव फैले हुए भारतीयता के नाम पर कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं कि हम भारत को राम राज्य बना लेंगे भारत को स्वर्ग बना लेंगे उनकी सारी पुल पट्टी खोल देंगे ये कौरव विदेशी धर्म दंत संप्रदाय से जाति प्रभावित है। विदेशी धर्म खंडों से प्रभावित होकर के जन्म लेते हुए आखिरी जन्म में आकर के भारतीय बनते हर धर्म में कन्वर्ट होते जाते जहां देखते हैं कि माल मसाला जाति मिलता है वही कन्वर्ट हो जाते जो आज के नेताओं की व्यक्ति देखी जाती है जिस पार्टी का जाति दबदबा देखा तो अपनी पार्टी को छोड़ करके झट से दूसरी पार्टी में जंप लगा देते तो इनको किसी धर्म विशेष पर श्रद्धा नहीं है इन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं है देवता धर्म से कोई मतलब नहीं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाते क्रिश्चियन धर्म आया इस्लाम धर्म को छोड़ दिया क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए मोहम्मद आए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए का ये नियम है जहां देखी तबा बारात वही बिताई सारी रात तो इनका कोई उद्देश्य नहीं है सिद्धांत नहीं है इसलिए इनका राज्य प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य गायब
बिहार समाधि जब से आए हैं तब से दुनिया में प्रजातंत्र राज्य फैला, भगवान को महत्व नहीं देते, कोई धर्म को भी महत्व नहीं देते, ये सिर्फ संख्या को महत्व देते। इनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत होनी चाहिए। भगवान बाप कहते हैं ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, बेकायदे राज्य। दुनिया में प्रजातंत्र राज्य नहीं चला है, लंबे समय तक देश देशांतर में राजाओं का राज्य चला है। और ये राजाई की स्थापना का कार्य परमपिता परमात्मा शिव करते हैं, जो सालों साल युगों युगों जन्म जन्मांतर चलता है। माया इसे ईश्वरीय राज्य को खत्म कर देती है, राजाओं के राज्य को खत्म कर देती है, और आखिरी 100-200 वर्षों में माया का राज्य सारी दुनिया में फैल जाता है। तो भी है ना, 5 है उसको लास्ट को सुनते नहीं है तो बार बार वही प्रश्न होते रहते। कर्ण उसे कहा जाता है जो कानों से सुनता बहुत है। कर्ण माने कान, कान। और उसकी पैदाइश किससे होती है? कूड़े से पैदाइश होती है। भगवान बाप आते हैं तो पहले पहले ज्ञान किसको देते? सूर्य को ज्ञान देते, माना ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? राम बाप हुआ भगवान का पहला पहला रथ, मुकर्रर रथ। और पंडा कौन है? पहला पहला जो सच्चा रास्ता बताने वाला है, बाकी सब मनुष्य मात्र है झूठा रास्ता बताने वाले। जन्म जन्मांतर झूठा रास्ता बताया है, चाहे राम की आत्माएं हो और चाहे कृष्ण की आत्माएं हो। तो शिव जो पहला पहला पंडा है, उसका पंडे के बच्चे हैं पांडव। शिव है अभोक्ता, और जिसमें प्रवेश करता है वो है भोक्ता। तो जिसमें प्रवेश करता है वो सूर्य का बच्चा कौन हुआ? कर्ण। तो कौन देह अभिमानी का बच्चा और कौन आत्माभिमानी का बच्चा? पांडव है पंडा के बच्चे, पांडु के बच्चे, आत्माभिमानी के बच्चे। रूहानी बाप किसको बैठ पढ़ाते हैं? रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। कर्ण और भीष्म पितामह जैसे देह अभिमानियों को नहीं बैठ पढ़ाते हैं। और
भले पांडव और यादव कौरव तीनों सेनाओं के बीच में भगवान ने ज्ञान सुनाया भी, तो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उठाया किसने? पांडवों ने उठाया। सिर्फ पांडवों ने उठाया, न कर्ण ने उठाया, न भीष्म पितामह ने उठाया, न कोई कौरव संप्रदाय या यादव संप्रदाय ने उठाया। भले माता पांडवों की और कर्ण की एक ही थी, क्या माता एक ही? नहीं, भले एक हो लेकिन बीज अगर अलग अलग है तो वृक्ष भी अलग अलग हो जाता है। कर्ण कुंती कुंती का बड़ा पुत्र होते हुए भी कौरवों का सहयोगी बना और पांडव कुंती के बाद वाले पुत्र थे, फिर भी किसके सहयोगी बने? भगवान बाप पंडा के सहयोगी बने। बाबा शिव भक्त और विष्णु भक्त के अलावा ऐसे भी वर्ग हैं जो विश्वकर्मा को मानते हैं और अपने को विश्व ब्राह्मण कहते हैं। विश्वकर्मा कौन है? जिसने विश्व को बनाया, माना विश्व का रचयिता बाप, विश्वकर्मा माना विश्व को रचने वाला। तो ये दुनिया जो भी सतो प्रधान विश्व है या तमो प्रधान विश्व है या रजो प्रधान या सतो सामान्य दुनिया है, उसका रचयिता कौन है? शिव बाप रचयिता है या शिव बाबा रचयिता है? बाबा रचयिता। शिव बाप को तो रचयिता नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो आत्माओं का बाप है, आत्माएं भी अनादि है, रची नहीं जाती है, और आत्माओं का बाप भी अनादि है, रचा नहीं जाता है। हाँ, आत्माएं जो पार्टधारी बनती है उन पार्टधारी मनुष्यों को रचा जाता है। वो पार्टधारी मनुष्य कलयुग के अंत में सूत्र बन जाते, सूत्र से उनको ज्ञान लेकर के ब्राह्मण बनाया जाता है और ब्राह्मण से फिर देवता बनाया जाता है। उनमें भी पढ़ाई पढ़ने वाले कोई ब्राह्मण तो पद पाते हैं, कोई क्षत्रिय रह जाते और कोई क्षत्रिय से भी नीचे कैटेगरी के इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि बन के रह जाते। तो मूल रचयिता कौन हुआ? ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी माँ है, माँ का भी रचयिता बाप होता है। ब्रह्मा नाम बहुतों के होते हैं, माताएं अनेक हो सकती है लेकिन बाप एक होता है। इसलिए प्रजापिता जो मुकर्रर रथ है भगवान बाप का, उसके द्वारा शिव बाबा है दुनिया का विश्व का रचयिता विश्वकर्मा।